Hello student, you are welcome in online teaching. Online शिक्षण में आप सभी बच्चों का स्वागत है. Today we learn lesson number 10, disaster management part 2, subject general science, standard 7, medium, semi English, Hindi medium. Let us see the lesson number 10, disaster management part 2. Lightning. Here is lightning. Can you tell some answer? Have you seen a flash of lightning in the sky? When? क्या आप lightning यानी flash चमकते हुए ऐसा बिजली या lightning देखा है sky में? देखा है तो कब देखा? आप कह सकते हैं yes. बहुत सारे बच्चे देखे होंगे yes. In rainy season. Rainy season में ऐसा जो है फ्लैश दिखता है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट काजेज ऑफ लाइटनिंग. लाइटनिंग ऐसा लाइटनिंग होता क्यों है? व्हाट काजेज ऑफ लाइटनिंग. आपका आंसर हो सकता है वेयर एयर एंड क्लाउड्स रब अगेंस्ट ईच अदर इन द स्काई. द अपर पार्ट ऑफ सम क्लाउड्स ऑन द अपर साइड बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड द लोअर साइड बिकम नेगेटिवली चार्ज. Generation of lightning occurs either within one clouds or between two clouds. Sometimes it takes place between a clouds and ground. इस तरह से जो है lightning पैदा होता है charge जो है positive और negative charge के कारण. कभी कभी जो है एक दो बादलों के बीच में two clouds के बीच में होता है, तो कभी जो है एक क्लाउड्स और क्लाउड और ग्राउंड्स के बीच में भी जो है ऐसा लाइटनिंग होता है. तो ऐसा आप आंसर दे सकते हैं. हैव यू लर्न अबाउट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड लाइटनिंग स्ट्राइक इन द लेसन ऑन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. आपने पढ़ा इसके पहले. इन दिस लेसन वी शैल लर्न समथिंग मोर अबाउट लाइटनिंग एंड द मेजर ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम इट. यानी लाइटनिंग के बारे में आप जो है इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे जनरेट होता है, लाइटनिंग स्ट्राइक कैसे होता है, आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ लिया है, थोड़ा जानकारी है. इन दिस लेसन आप इस लेसन में जो है इसके बारे में कुछ और जानेंगे. लाइटनिंग होता कैसे है, इसको मेजरमेंट कैसे किया जाता है, इसे प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं. तो लेट अस सी वंडरफुल थिंग्स टू नो. कुछ ऐसी चीजें जो कि आपके लिए वंडरफुल हो सकता है. लाइटनिंग टेम्परेचर मोर इंटेंस देन द सन. सन से भी ज्यादा लाइटनिंग का जो है टेम्परेचर होता है. नॉट एट लाइटनिंग स्ट्राइक द ग्राउंड. इनफैक्ट अबाउट 95% ऑफ द लाइटनिंग प्लेसेस आर लिमिटेड टू द स्काई. ओनली 5% लाइटनिंग रीचेज द ग्राउंड. यानी जो है 100% में से केवल 5% लाइटनिंग ग्राउंड पे पहुंचती है. 95% लाइटनिंग स्काई में ही रह जाती है. लाइटनिंग कैन बी जनरेटेड विथ इन वन क्लाउड्स बिटवीन टू क्लाउड्स और बिटवीन ए क्लाउड्स एंड द ग्राउंड. इस तरह से लाइटनिंग क्लाउड्स के बीच में, दो क्लाउड्स के बीच में पैदा हो सकता है, ये क्लाउड या जनरल ग्राउंड के बीच भी पैदा हो सकता है. अबाउट 40 लाइटनिंग फ्लैशेस आकर पर सेकेंड इन द एटमोस्फियर. एक सेकेंड में 40 लाइटनिंग जो है पैदा होते हैं, आकर्ष होते हैं एटमॉस्फेयर में, घटनाएं घटित होती हैं 40 लाइटनिंग की. द टेम्परेचर जनरेटेड बाय लाइटनिंग इज हायर देन दैट इज सन. एंड सन से जो है इनका टेम्परेचर लाइटनिंग का भी बहुत अधिक होता है. ड्यू टू दिस हाई टेम्परेचर द एयर अंडर हाई प्रेशर एक्सपेंड सडनली एंड ए लाउड क्रेशिंग साउंड इज हर्ड. तभी आपको ऐसा प्रेशर पड़ता है एयर और जो का टेम्परेचर और एयर का, इसी कारण जो है बड़ी तेज आवाज आपको, यानी जिसको कहते हैं बादल गरजना, ऐसी आज आवाज भी आप सुनते हैं, गड़गड़ाहट की आवाज आती है. डू यू नो लाइटनिंग स्ट्राइक ओपन ग्राउंड्स मैक्सिमम टाइम्स. क्या आप जानते हैं जो है लाइटनिंग स्ट्राइक जो है ओपन ग्राउंड में ज्यादा तर आती है. द वर्स मोर्टेलिटी रेट ड्यू टू लाइटनिंग इज लो. हाउ एवर सर्वाइवर्स ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक सफर
long term effects. Immediate treatment of lightning affected person can save their life. As steady of places struck with lightning, so that it happens more on open ground than under a tree or near water. से वाटर या जो है ट्री के से अधिक जो है खुले मैदान में ज्यादा लाइटनिंग का प्रभाव पड़ता है. मिक्सअप्स हैव ऑकर्ड मोस्ट ऑफन व्हेन ए पर्सन इज एट ए हाई प्लेस आर नियर ए टॉल ऑब्जेक्ट्स, यानी जो ऊंचे प्लेस पे होता है या टॉल किसी ऊंचे स्थान किसी ऊंची चीज के पास होता है वहां पर लाइटनिंग का इफेक्ट ज्यादा होता है. व्हाट प्रिकॉशंस विल यू टेक ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म, जो है इस तरह से अब बादल वगैरह गरज रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, कैसी सावधानियां रख सकते हैं लाइटनिंग होने की संभावना है तो. डू नॉट स्टैंड ऑन ओपन ग्राउंड आर बिलो ए ट्री. डू नॉट गो टू ए हाई लोकेशन आर क्लाइंब ए ट्री. सेकेंड, डू नॉट स्टैंड नियर एन इलेक्ट्रिक पोल, अ टेलीफोन पोल, अ टावर एक्सेप्ट. इस तरह से ओपन ग्राउंड में या किसी पेड़ के नीचे मत खड़े हो या किसी हाई चीज ऊंचाई पर ना हो. डू नॉट यानी किसी इलेक्ट्रिक पोल टेलीफोन पोल या किसी टावर के पास न खड़े हो. डू नॉट लीन एन वायर्ड फेंस अराउंड ए फार्म या कंपाउंड ए गार्डन आर ए हाउस, जहाँ पे वायर का कोई जो है घेरा बना हो वैसे जगह पे भी वायर हो तो वहां नहीं होना चाहिए. इफ यू आर ऑन ए टू व्हीलर्स आर बाइसिकल आर ट्रैक्टर आर ए बोट, गेट ऑफ इमीडिएटली एंड गो टू ए सेफ प्लेस. अगर किसी जो है सवारी पर है बाइसिकल ट्रैक्टर या बोट तो हमें तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए किसी सेफ स्थान पे. डू नॉट गैदर ऑल टुगेदर इन वन प्लेस, ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा ना हो. टेक केयर टू कीप ए डिस्टेंस ऑफ 15 फीट बिटवीन एनी टू पर्सन, दो पर्सन के बीच में 15 फीट की दूरी बना के रखें. डू नॉट यूज प्लग इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, डू नॉट यूज ए मोबाइल और टेलीफोन, यानी जो है किसी इलेक्ट्रिक चीज को प्लग करके उसको यूज न करें और किसी मोबाइल या टेलीफोन का भी यूज न करें इस समय. स्टैंड ऑन ड्राई वुड आर ए प्लास्टिक सीट सैक आर ए जूट क्लॉथ आर ए ड्राई लीव्स, यानी सूखे चीजों पर खड़े हों, सूखी लकड़ी प्लास्टिक की सीट हो सैक हो बोरे यानी जूट के जो क्लॉथ्स हों या ड्राई लीव्स हों, ड्राई चीजों पर खड़े हो सकते हैं. कीपिंग योर फीट टूगेदर सपोर्ट योर सेल्फ ऑन द सोल्स ऑफ योर फीट, placing your hands on your knee and cross low. Swimmers or fishermen should immediately come out of the water. यानी जो swimmers होते हैं तैरने वाले या fishermen हैं उनको पानी में से तुरंत बाहर आ जाना चाहिए. A pucka house is the safest place. Find out if there is a lightning conductor on any tall building near your house. If necessary, get a lightning conductor fitted on your house. तो पक्का जो घर होते हैं इसके लिए ज्यादा सेफ होते हैं, वहां पर इसका कम असर होगा. तो और ऐसा देखिए कहीं जो है लाइटनिंग कंडक्टर लगा हुआ है किसी बिल्डिंग में तो ऐसे जगह पे जा सकते हैं, या जरूरी हो तो अपने घरों पर भी आप लाइटनिंग कंडक्टर लगा सकते हैं. तो इस तरह से लाइटनिंग से आपकी सुरक्षा हो सकती है. वोल्केनो, व्हाट इज वोल्केनो? अ वोल्केनो इज ए नेचुरल इवेंट्स आर फेनोमेनन. The interior of the earth is very hot. Movement of hot substances continuously occur from the interior towards the surface of the earth. As a result, sometimes the solid, liquid and gaseous substances below the earth's crust are pushed towards the crust. When these substances come out of the earth's crust in an eruption and start flowing, it is called a volcano. वल्कनो का या पिक्चर देख सकते हैं. ऐसा जो जमीन के अंदर यानी अर्थ के नीचे बहुत सारी चीजें होती हैं, सब्सटेंसेस होती हैं और उनमें जो है सारे लिक्विड और गैस के रूप में, और कभी कभी जो है वो बाहर आना चाहती हैं, यानी जो अर्थ का ऊपरी भाग होता है कमजोर पड़ जाता है तो ये चीजें बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, और यही बड़ी मात्रा में जब निकलने लगती हैं एक साथ तो इस तरह का चित्र आपके सामने है, इस तरह से बन जाता है. इसी को वोल्केनो यानी ज्वालामुखी कहते हैं. व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ वोल्केनो? वोल्केनो यानी ज्वालामुखी का इफेक्ट क्या पड़ता है?
The chemical substances such as lava, vapors, hot mud, sulfur, etc. can collected on the surface of the earth and thereby mountains and hills are created. इतना ज्यादा जो है सारी चीजें निकल जाती हैं कि माउंटेन और हिल्स तैयार हो जाते हैं. द एटमोस्फियर गेट्स पोल्यूटेड ड्यू टू द आस एंड गैसियस इजेक्टेड बाय द वोल्केनो. यानी ऐसी स्थिति है तो आसपास का जो एटमोस्फियर है वो पोल्यूटेड हो जाता है क्योंकि धूल गर्दा गैस सब निकलती है. ऑफन इट रेन्स एज ए रिजल्ट ऑफ ए वोल्केनिक इरप्शन. टेम्परेचर राइजेस ड्यू टू द हॉट गैसेस. फॉरेस्ट एंड सेटलमेंट्स गेट बरीड अंडर द हॉट मड. यानी जंगल झाड़ी जो है रिहायशी जगहें सब जो है इसके करीब जो होते हैं वो जो है इसमें इसके कीचड़ में दब जाते हैं समाप्त हो जाते हैं. इस तरह से इसका इफेक्ट पड़ता है वल्कनों का ज्वालामुखी का. वल्कनोज इरप्ट इन द सी एज दे डू नॉट लैंड. द सेम सब्सटेंसेस दैट कम आउट ड्यूरिंग द इरप्शन ऑफ ए वल्कनो ऑन द लैंड आर इजेक्टेड ड्यूरिंग द इरप्शन ऑफ द वल्कनो इन द सी. सम आइसलैंड्स आर क्रिएटेड ड्यू टू द इरप्शन ऑफ वल्कनो इन द सी. आइसलैंड देखा होगा सुना होगा तो आइसलैंड जो बनते हैं वो भी वल्कनों के कारण ही निकलते हैं. जिस तरह से अर्थ पे होता है उसी तरह जो है सी में भी होता है और वहां से जो चीजें निकलती हैं वो जो है सी के अंदर जो है एक आइसलैंड तैयार कर देते हैं. जिस तरह से हिल्स तैयार होते हैं उसी तरह वहाँ जो है आइसलैंड तैयार होते हैं इसको आइसलैंड कहते हैं. इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिवेंट द इरप्शन ऑफ ए वोल्केनो टू स्टॉप इट आफ्टर इट इरप्ट आर टू कंट्रोल इट. अगर ऐसा हो रहा है तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं रोक नहीं कर सकते हैं. हाउएवर बाई मीन्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इट इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट ऑन इरप्शन एंड टू टेक इमीडिएटली स्टेप्स फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट. लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी आजकल इतना ज्यादा आगे हो गई है कि ये संभव हो चुका है कि आपको अगर ऐसी संभावना है किसी जगह पे तो जानकारी पहले से मिल सकती है और आप सुरक्षित हो सकते हैं. डिजास्टर मैनेजमेंट का उपयोग करके आप बच सकते हैं कुछ सुरक्षा कर सकते हैं. सुनामी. व्हाट इज सुनामी. व्हाट इज एन अर्थक्वेक. लेट अस रिकॉल. पहले जो है थोड़ा सा आप याद कर लें सुनामी समझने से पहले. व्हाट इज एन अर्थक्वेक. अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा जानकारी है. द विप्रेशन एंड द क्रेकिंग अप ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक. इसका आंसर दे सकते हैं. जो है हमारा जो अर्थ है उसमें विप्रेशन होता है अर्थ जो है कांपने लगती है इस तरह से अर्थक्वेक आता है. What will happen if an earthquake and volcanic eruption occur at the bottom of the sea? अगर किसी समुद्र तल में इस तरह से earthquake आता है या volcanic eruption होता है तो क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा. तुम कह सकते हैं tremendous energy comes out of the earth's crust at the time of earthquake. If such moments occur at the bottom of the sea, the huge waves are formed. ऐसी जो चीजें अगर घटित होंगी समुद्र के सी के बॉटम में तो वहां पर बड़ी लंबी चौड़ी वेव्स तैयार होंगी धाराएं तैयार होंगी. तो यहाँ पे आप जो है सुनामी का पिक्चर देख सकते हैं. इन दिस पिक्चर जो है ये धाराएं हैं समुद्र के नीचे से उठती हुई लहरें आपको यहाँ पे लहरें दिखाई जा रही हैं. कितने ऊपर तक ये जो है हाई लेवल तक ये जा रही हैं बिल्डिंग कितने से कितने ऊंचाई तक जा रही हैं. एज ऑन लैंड अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिक इरप्शन आकर एट द बॉटम ऑफ द सी टू. इफ एन अर्थक्वेक आकर्स एट द बॉटम ऑफ ओशियन द एनर्जी रिलीज पुशेस द वाटर अपवर्ड्स एज ए रिजल्ट ऑफ दिस पिसलियर टाइप्स ऑफ वेव्स आर फॉर्म. These waves are not very high near the source, but they start spreading very fast to the long distance. The velocity of these waves is 800 to 900 km per hour. When they reach a coastal area, their velocity is reduced, but their height is found to have increased. Tremendous event
टू अबाउट 30 मीटर। इस तरह से इनकी जो वेव्स हैं वो इनकी ऊंचाई 30 मीटर तक हो जाती है जब ये कोस्टल एरिया में पहुंचते हैं। तो इस तरह से वेव का निर्माण होता है समुद्र तल में। कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं। सच ए वेव जनरेटेड बाई एन अर्थक्वेक आर ए वोल्केनो ऑकरिंग ऑन द ओशियन फ्लोर इज कॉल्ड ए सुनामी। सुनामी इज ए जापानी वर्ड विच मीन्स हार्बर वेव्स। इसका सुनामी जो है जापानी वर्ड्स है, इसका मीनिंग जो है हार्बर वेव्स है। तो ये जो है कारण है सुनामी आने का। डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ सुनामी, सुनामी का क्या इफेक्ट होता है? तो फर्स्ट वन, बिल्डिंग्स एंड अदर कंस्ट्रक्शन आर डिस्ट्रॉय। जो बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन वाली चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। देयर इज ए लार्ज स्केल लॉस ऑफ लाइफ एंड फाइनेंशियल लॉस। तो लोग की जान चले जाती हैं, आर्थिक नुकसान होता है। बोट्स एंड शिप्स नियर द कोस्ट गेट डैमेज। बोट और शिप डैमेज हो जाते हैं। ट्रीज गेट अपरूटेड। लैंडस्लाइड टेक प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल। ट्रीज यानी पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं। लैंडस्लाइड होता है बहुत बड़े पैमाने पर। चेंजेस टेक प्लेस इन द ओरिजिनल लैंड नियर द कोस्ट गिविंग राइज टू स्वेप। ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्शन अराइज। द बिजनेस इंडस्ट्री रिलेटेड टू द सी आर एडवर्सली इफेक्टेड एंड नॉर्मल डे टू डे लाइफ इज डिस्टर्ब। यानी जिस एरिया में इस तरह से सुनामी आता है पूरी डे टू डे की लाइफ खराब हो जाती है जो है, और समुद्री मार्ग का जो यात्रा होता है वो भी बंद हो जाता है। इस तरह से जो है काफी इफेक्ट जो है बिजनेस और इंडस्ट्री पर भी पड़ता है, ट्रैफिक पर भी पड़ता है। लार्ज स्केल डैमेज इज कॉज टू हार्बर, यानी बहुत सारा डैमेज नुकसान होता है सुनामी के कारण। प्रिकॉशनरी मेजर्स, इसके लिए हम जो है क्या जो है सावधानियां रख सकते हैं। व्हेन ए सुनामी वेव्स इज फॉर्म ड्यू टू एन अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर इट इज नेसेसरी दैट एन इमीडिएट एस्टीमेट इज मेड ऑफ इट्स प्रोग्रेस एंड ए वार्निंग ऑफ द डेंजर इज इशूड टू द पीपल इन द कोस्टल एरिया। फॉर दिस पर्पज एन आर्टिफिशियल गेस्टनरी सेटेलाइट इज ऑफ ग्रेट यूज। यानी जो है अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है कि जो है सुनामी उठने वाला है या सुनामी उठ चुका है, तो कोस्टल एरिया के लोगों को हटा दिया जाता है, सावधान कर दिया जाता है। तो इस तरह से समय समय पे गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे कदम उठाए जाते हैं, लोगों को सावधान किया जाता है, तो इससे लोग की सुरक्षा काफी हद तक हो जाती है। स्टॉर्म, व्हाट इज स्टॉर्म? मिस्टर श्रीकाल थोड़ा याद कर लें। व्हाट गिव्स राइज टू ए स्टॉर्म? व्हाट आर देयर इफेक्ट? स्टॉर्म क्यों आता है, इसका इफेक्ट क्या होता है? तो हमारा ऐसा आंसर हो सकता है, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ हाई एंड लो एयर प्रेशर बेल्ट्स इन द एटमॉस्फियर्स। दिस कॉज स्ट्रॉन्ग विंड्स टू ब्लो। द वेदर सडनली चेंजेस ड्यू टू दिस रिजल्टिंग इन टू स्टार। इस तरह से वेदर में चेंजेज आता है, यानी हाई और लो प्रेशर के कारण जो है एटमॉस्फियर में जो हाई और लो प्रेशर होता है, इसी के कारण जो है स्ट्रांग विंड्स बहुत तेज हवाएं चलती हैं और अचानक जो है वेदर चेंज होता है और इसी के कारण स्टॉर्म यानी आंधी आती है। इफेक्ट्स ऑफ स्टॉर्म का इफेक्ट क्या होता है? देयर इज ए लार्ज स्केल डैमेज टू द प्रॉपर्टी एंड लाइफ। तो ऐसी घटना होती है तो बहुत सारा लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का लॉस होता है। द स्टॉर्म इफेक्टेड रीजन्स आर ग्रेटली डैमेज। जिस एरिया से जाता है वो रीजन्स बहुत अफेक्टेड होता है, डैमेज करते देते हैं। इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्टेशन इज डिस्टर्ब हो जाता है। इलेक्ट्रिक सप्लाई और ट्रांसपोर्टेशन डिस्टर्ब हो जाता है इस तरह की स्टॉर्म अगर आते हैं तो। ऑलवेज रिमेम्बर, कुछ चीजें आपको याद रखना है। रेगुलरली कट डाउन ट्रीज आर ब्रांचेज दैट आर लाइकली टू फॉल एंड काज ऑफ डैमेज। स्टॉर्म से बचने के लिए हमें रेगुलर जो ट्रीज की ब्रांचेज हैं अनावश्यक हैं उनको काट देना चाहिए, नहीं तो जो है डैमेज का कारण बनेगी, गिरेंगी तो। इफ यू आर आउटसाइड टेक शेल्टर इन द सेफर प्लेस। अगर बाहर
कहीं हैं तो किसी सेफ स्थान पे चले जाएं। इफ यू आर अवे फ्रॉम होम इन्फॉर्म योर क्लोज रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स अबाउट योर एग्जैक्ट लोकेशन। कहीं बाहर आए तो अपना एग्जैक्ट लोकेशन अपने दोस्त को या अपने रिश्तेदार माता पिता को या जो भी है उनको जानकारी देना चाहिए। एट होम शट द वाल्व्स ऑफ गैस रेगुलेटर्स एंड टर्न ऑफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई। अगर ऐसी कुछ स्थिति है तो अपने घर के रेगुलेटर्स, गैस के रेगुलेटर्स और इलेक्ट्रिक की सप्लाई पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। मेक टेलीफोन कॉल्स टू वार्न योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स अबाउट द प्रोबेबल डेंजर। इस तरह की घटना है, डेंजर है तो अपने रिलेटिव्स और दोस्तों को भी सूचना दो। टेल देम टू गो टू सेफर प्लेस और उनको बोलो सेफ जगह पे जाने के लिए। गिव टेम्परेरी शेल्टर टू पीपल हु आर फार अवे फ्रॉम देयर होम्स। अगर जो है कोई ऐसे लोग हैं जो फंसे हुए हैं तो उन्हें टेम्परेरी शेल्टर भी देना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूशन कुछ इसके लिए बनाए गए हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए। यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश्ड ए स्टैंडिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, UNDP इसका शॉर्ट नेम है, इन 1965 अबाउट 177 नेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर मेंबर ऑफ द UNDP के जो है यूनाइटेड नेशन जो बना हुआ है इसके 177 कंट्रीज मेंबर हैं। One of the main function of this organization is to send equipment, financial aid, and also volunteer to the place of the disaster. In addition, international medical teams and groups of other experts are also sent. इस तरह से अगर कोई घटना कहीं आपदा आती है, डिजास्टर होता है, तो ऐसे स्थान पर यह जो UNDP है ऑर्गेनाइजेशन, ये लोगों की मदद करने के लिए किसी भी कंट्री में जाते हैं जहाँ भी ऐसी घटनाएं होती हैं, जो है कुछ इक्विपमेंट्स भेजते हैं, जो है फाइनेंशियल एड्स यानी जो है फाइनेंशियल मदद करते हैं, और अपने वॉलेंटियर्स अपने लोगों को मदद के लिए भेजते हैं जहाँ पर ऐसी कुछ घटना होती है। इनके वॉलेंटियर्स वहाँ जा कर के मदद करती हैं, और जो है एडिशन इंटरनेशनल मेडिकल टीम जो है इंटरनेशनल जो मेडिकल टीम है वो भी वहाँ पे जाती है, लोगों ग्रुप्स और एक्सपर्ट जो चीज लोग होते हैं वह भी जाते हैं लोगों की मदद करने के लिए। 13th अक्टूबर इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन, इस तरह से 13 अक्टूबर को जो है इंटरनेशनल डिजास्टर रिडक्शन डे के रूप में मनाया जाता है, यानी जो है डिजास्टर को कम किया जाए, कैसे कम करने के रूप में 13th अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन, इस तरह से करके मनाया जाता है। तो आपका ये लेसन जो है डिजास्टर मैनेजमेंट इंड होता है, तो मेरा सेशन भी यहीं पे इंड होता है, मैं अपना सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपको ये लेसन अच्छा लगेगा। थैंक यू।